Hello, welcome boys and girls to another video of Animal Crossing. Guys, आज फिर से guys अगला day है और आज की guys news सुन लेते हैं. Gohana gained a new neighbor today. जी हाँ guys, अपने island पे guys कुछ नए villagers आए हैं जिसमें से एक का नाम तो है भाई Rex. और for all you the DIY loving island residents out there, I have a very special announcement. भाई क्या? गाइस आज की जो अनाउंसमेंट है वो पूरी हो चुकी है. एंड सॉरी गाइस अगर तुमको मेरी आवाज़ थोड़ी सी कम लग रही हो तो, क्योंकि गाइस जो मेरा माइक है गाइस उसका जो सेल लगता है वो थोड़ा सा लाइक वीक हो गया, तो मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा. एंड गाइस अभी रात के ऑलमोस्ट 9 बज, मतलब ये समझ लो कि 9 बज गए हैं, तो भाई अभी शॉप कोई खुली नहीं होगी, तो भाई इसीलिए अभी मैं नहीं कर सकता, मतलब मैं नहीं नया सेल ला सकता. तो भाई अभी अगर थोड़ी आवाज़ कम लग रही हो तो भाई सॉरी गाइस. तो अभी एनिमल क्रॉसिंग में तो भाई भले ही सुबह हो रही हो बट यहाँ पर अभी रात हो रही है. भाई आज हमारे घर के सामने भाई पूरा एक पूरा फॉसिल आया हुआ है, भाई इसको मैं उखाड़ लेता हूँ. भाई जरा, अरे और भाई जरा अपन मेल चेक कर लेते हैं. ओके, हैप्पी होम एकेडमी ने कुछ बताया, 0.203 रैंक भी मैं ऑफर पॉइंट सिचुएशन दे आर मोर देन अ फ्यू थिंग्स. वो गैस इन्होंने अपने घर की जो रेटिंग भेजी जो कुछ खास नहीं है बट डोंट वरी. वो गैस तो गैस ये है अपने नए नेबर यानी गैस रेक्स का घर. गैस चलते हैं और उस बंदे से मिल कर आते हैं कि भैया रेक्स भैया को कैसा लग रहा है. वैसे रेक्स नहीं एक्चुअल में, वो लायन है बट उसका नाम रेक्स है. हेलो रेक्स लायन भाई. हे यश, आई एम ऑल डन टू मूविंग यू राइट एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू लिविंग ऑन कोहाना. आई विल प्ले एवरी डे कूल कैट. भाई ये लायन है और कह रहा है कि आई एम अ कूल कैट. भाई तो गाइस अपन इस लायन से तो गाइस मैं मिल गया. अब गाइस बाकी के बंदे आए हैं या नहीं गाइस अपनी अपने आइलैंड पे, तो भाई उनको भी मैं चेक करके आता हूँ. गाइस यहाँ पर अभी कोई भी नहीं आया है. एंड गाइस यहाँ पर भी अभी कोई भी नहीं आया है. ओके भाई, आई होप कि ये जो दो हमारे रेसिडेंट्स हैं ये भाई जल्दी से आज भाई क्या विलेजेस एक एक करके आते हैं, आई डोंट नो, अगर ऐसा तो भाई बता देना. और गाइस अभी मैं जरा मेबल से बात करता हूँ भाई क्या नया माल अलाई है ये अपने लिए. ओके, वर्कआउट तो मैं करता नहीं हूँ. बोया फ्लेंस गाइस ये काफ़ी अच्छी जैकेट लग रही है, ये भी सस्ता हूँ तो ओके भाई. और भाई टोपा अजीब सा नहीं है वो भाई, और तो कुछ खास है भाई. ये क्या है स्ट्रेच लेंथ, और भाई इसको मैं भाई करूँ क्या अच्छा सस्ता हूँ तो भाई इसकी भी वो नहीं लग रही है. गैस सस्ता हूँ तो मुझे ये ज़्यादा अच्छी लग रही है बट अभी मेरे पास पैसे नहीं है, तो गैस मैं भाई मुझे उससे भाई पैसे निकला के लाता हूँ उसके लिए. ये कौन आया है गैस अपने विलेज में? भाई मैंने इसको फर्स्ट बार देखा है. बेटा कौन है तू? डेजी मिया. हेलो, आई एम डेजी मिया. डू यू नो माय ग्रैम ग्रैम जॉन? शी इज सम माय ऑफिस प्रॉब्लम एंड व्हेन शी सेड आई ऑल्डर नाउ हेल्प यू टू फैमिली बिजनेस. सो आई फॉरगेट टू टेल अबाउट दैट माय फैमिली बिजनेस. वी शेल टम्पिस. ओके, तो गाइस ये है टम्पिस बेस्टी और अपन टीमी टॉमी को उसको चेक कर सकते हैं. ओके, वी एवरी संडे मॉर्निंग विथ अ फ्रेश क्रॉप टम्प्रिस ऑन एवरी से. ओके गाइस ये हर संडे को ही अपन ट्रम्पिस खरीद सकते हैं. ओके, सो यू वाना हियर अबाउट हाउ सो जॉन्स लेक मार्केट वर्क. आठ बेल की भाई ट्रम्पिट बेच रही है, ठीक है 108 बेल की. अभी तो मैं नहीं खरीद रहा भाई क्योंकि मेरे को पता नहीं कैसा लग रहा है कि ये थोड़ी सी महंगी बेच रही है. ओके बट गाइस अपन तो थोड़े से दिमागदार बंदे, अपन एक काम करते हैं गाइस टीमी से इसका अभी क्या प्राइस चल रहा है भाई वो पूछ के आते हैं. टीमी
Xiaomi, how are you? Beta temperature का क्या है ट्रंप इसका? On Sunday we take a little break from Brandonville. Please check back us tomorrow. There is anything? Okay भाई, तो मतलब जिस दिन वो बेचने आती है ना भाई, उस दिन अपन नहीं इनको बेच सकते भाई। ये बहुत ही खतरनाक काम किया भाई इन लोगों ने, मतलब बंदे चालाकी ना कर पाए भाई। ये भाई इस गेम के डेवलपर्स ने भाई बहुत दिमाग से इस गेम को बनाया भाई, मतलब मान गया मैं यार। ओके गाइस, तो इस स्टोन से गाइस काफ़ी अच्छे मुझे पैसे मिले हैं, तो गाइस अब अपन वो जो ड्रम पीस है वो बाइक कर सकते हैं। तो गाइस फटाफट से मैं ये होल बड़ी करता हूँ और फिर उसके बाद हम कुछ ड्रम पीस को बाइक करते हैं। ओके गाइस, मुझे ये बंदा मिला था एक्चुअली में, यहाँ पर मेरी वॉइस करप्ट हो गई थी तो मैं डाल नहीं पाया, बट गाइस ये जो मुझे बंदा मिला था गाइस, इसने मुझे अपने आइलैंड पे आने का इनविटेशन दिया था। और फिर भाई आज के एपिसोड में अपन इसके आइलैंड पे भी जाएंगे। इसका नाम हैरवी और कुछ हैरी करके गाइस इसका आइलैंड का नाम है, और एक्चुअल में गाइस ये एक फ़ोटो स्टूडियो चलाता है, तो अपने को उसके आइलैंड पर वो देखने जाना था और बस इसीलिए इसने अपने को बुलाया था। सो यहाँ पर ये था एक छोटा सा शॉर्ट कन्वर्सेशन इस बंदे से, यहाँ पर मेरी वॉइस करप्ट हो गई थी तो मुझे ओवर राइट करना पड़ रहा है इसको। या तो गाइस जैसा कि इसे बताया कि अपन एयरपोर्ट पर जाकर हैरवी आइलैंड पर सिलेक्ट करके इसके आइलैंड पर जा सकते हो, और वो भी फ्री में बिना किसी नुकमल टिकट की वजह से, और ये काफ़ी ईजी है अपने लिए करना। सो गाइस अपन इसके आइलैंड पर भी जाएंगे आज। बारबोर्ड गाइस, इसकी इसने मुझे रेसिपी दी है। बंदे ने बोला था गाइस जो ये पॉकेट ऑर्गेनाइजेशन गाइड है भाई, इसको बाय करो, इससे मेरी स्टोरेज बढ़ जाएगी। तो भाई मैं अपने 5000 माइल्स कवर कर रहा हूँ भाई, अगर ये नहीं बढ़ा तो भाई मुझे तुम पे बहुत गुस्सा आ जाएगा भाई। योर ऑर्डर है प्रिंटेड, आई होप कि भाई मेरे स्टोरेज वो बढ़ जाए। ओके आई सी द टोटल मेक सेंस। I landed some days, organize my blowing and I can carry a bit more stuff. Oh bhai, literally bhai, jo meri storage hai bhai wo badh gayi hai. Oh guys, pehle main 20 item rakh pata tha, ab main 30 item rakh paunga bhai. Thank you jisne bhi bataya tha bhai. Okay guys, ye raha us bande ne guys jo mujhe banane ke liye bola tha apne dog bhaiya ne. Okay, I made a wooden wardrobe. Okay, तो अब मुझे करना क्या है इसका? क्योंकि मैंने इसको बना तो लिया है। Okay. लाइट वुड, ओके गाइस मैं इसका कलर चेंज कर सकता हूँ, नाइस। एक मिनट, इसमें कौन सा कलर अच्छा लगेगा? गाइस ये कलर काफी अच्छा है, ये भी बहुत ऑसम लग रहा है। ओके गाइस मैं तो इस कलर के साथ जाना चाहता हूँ एंड कस्टमाइज। या ओके, तो क्या इसका कलर चेंज हो जाएगा क्या? आई थिंक ओके गाइस, ओके यस यस यू मास्टर द फुल डन, यू जस्ट कस्टमाइज आइटम एज क्विक व्हेन यू हैव वर्क पे, यू कैन टेक द एक्स्ट्रा फ्रॉम टुडे इज माय गिफ्ट एज अ ग्रेजुएट ऑफ माय वर्कशॉप, यू नाउ बी एबल टू बाय एनी किट यू नीड फ्रॉम द शॉप। गाइस अपन एक कस्टमाइजेशन किट को बाय भी कर सकते हैं। ओके गाइस मुझे जो डेजी है गाइस वो तो मिल ही नहीं रही है गाइस, पता नहीं कहाँ से गई, मुझे उससे कुछ ड्रम पीस बाय करने थे। तो बट गाइस जो हमें बंदा मिला था गाइस, अब अपन उसके आइलैंड पे चलते हैं। गाइस उसने बोला था कि अपन एयरपोर्ट पे जाकर अपन जो भी उसके आइलैंड का नाम है आई थिंक अगर वो सिलेक्ट करेंगे तो अपना काम हो जाएगा, तो व्हाई नॉट वी गो। अब यहाँ पर
आ रहा है कि यहाँ पे विजिट हैरी आइलैंड, तो फिर गाइस आई थिंक अपन गाइस इसी बंदे ने अपने को भी थोड़ी देर पहले बोला था कि भाई अपन आइलैंड पर जाके इसके आइलैंड पर जा सकते हैं, या तो फिर गाइस अपन चलते इस बंदे के आइलैंड पे। तो गाइस ये बड़ा अजीब सा बंदा था और इसने मुझे कहा था कि भाई आ जाना मेरे आइलैंड पे, तो भाई चलते हैं इसके आइलैंड पे क्योंकि आई थिंक स्टोरी का हिस्सा है। अपन आ गए हैं हेनरी के आइलैंड पे। गिव अ क्विक लुक बैक। ओके बॉयज सो लेट्स गो। ओके यही बंदा था भाई वो। ओके यही था जिसने अपने को बोला था कि अपन से आइलैंड पे आ सकते हैं। अरे भाई कोई बात नहीं, अब तूने इनविटेशन दिया है तो भाई अबे वेलकम बिहार आइलैंड, डोंट रिमेंबर आई मेंटेड। हां भाई इससे अपना फोटो स्टूडियो का भी बोला था भाई काफी अच्छी फोटो खींचता है भाई। इसका आइलैंड पे अपन जैसे घूम नहीं सकते है क्या? यहाँ पे डेफिनेटली अपन कुछ भी नहीं कर सकते इसके आइलैंड पे, मतलब चारों तरफ से ब्लॉक करके रखा है। यानी गाइस अपन को यहाँ पर ही जाना पड़ेगा जो इसकी फोटोशॉप है। गाइस अपन आ गए इसकी फोटोशॉप में। अरे भाई क्या हुआ? अरे हाँ हाँ भाई मैं तेरे आ गया, अब क्या करना है भाई? इस मॉर्निंग माय होम दैट इज माय होम रियली, बट हे सिंस यू हियर लेट्स कैप्चर द मोमेंट ऑन द स्क्रीन। एंड यू गॉट एनी क्वेश्चन अबाउट द स्टूडियो? आई एम ऑल इयर्स। भाई इस बंदे ने तो भाई बात कर करके थका दिया भाई। एंड एक्चुअल में गाइस इसका फोटो स्टूडियो है, अपन यहाँ पर भाई फोटो सेशन कर सकते हैं। तो भाई अभी थोड़ा घूम के आते हैं भाई, इसको क्या क्या है। ओके भाई ये रूम तो यहाँ पर पूरा का पूरा खाली पड़ा हुआ है इसका। गाइस तो मैंने गाइस अभी अभी जस्ट चेक किया, तो गाइस एक्चुअल में जहाँ उस रूम में कैसे गए थे, तो गाइस उसके बाद जो मेरी रिकॉर्डिंग है फ़ोन की, गाइस वो रिकॉर्डिंग मतलब मेरा जो रिकॉर्डर था वो क्रैश हो गया था। तो गाइस उसके बाद का जो वो छोटा सा सीन था गाइस उस वीडियो का, वो रिकॉर्ड नहीं हुआ। बट गाइस एक्चुअल में स्टूडियो में कुछ था भी नहीं खास देखने लायक, वो सिर्फ एक स्टूडियो था जहाँ पर अपन फोटो खींच सकते और उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं था। तो यार सॉरी गाइस, मैंने अच्छा हुआ कि भाई चेक कर लिया, वरना कुछ भी रिकॉर्ड नहीं होता भाई। ये काम गई मुझे से कुछ ट्रंपेट खरीदना था। 108 बेल्स की एक ट्रंपेट दे रही है, तो गाइस मैं कुछ खरीदने वाला हूँ। गाइस 108 बेल की एक ट्रंपेट दे रही है, तो भाई मैं कितने खरीदूँ? आई हैव 21,000 रुपीज, तो भाई 10,000 की खरीद लेता हूँ। मैं काम करता हूँ, मैं 15,000 की खरीद लेता हूँ। अगर मैं मैक्स करूँ तो भाई मैं कितने खरीद सकता हूँ? मैं 200 खरीद सकता हूँ। बट एक्चुअल में आई थिंक गाइस 150 बेल जो है इसको जो 16,000 रुपीज़ की आ रही है, तो गाइस मैं इसको खरीदने वाला हूँ गाइस 150 भाई से एक सही तरीके से प्रोनाउंस करते गाइस, वो मैं इसको खरीद रहा हूँ। एंड आई होप कि भाई ये हमारे लिए प्रॉफिटेबल साबित हो।
डेफिनेटली एक मिनट, क्या मेरा स्टोरेज पूरा भर गया? या मतलब डेफिनेटली मैंने 15 ही 22 करता है। एक मिनट, ये मेरे पास सिर्फ 15 तो नहीं। अच्छा ओके, मतलब एक टेम्परेज में ओके ओके गाइस, आई अंडरस्टैंड कि भाई इनका हिसाब क्या है। वो तो गाइस शुक्रिया, ये क्या हो रहा है? तो टूल रूम स्टेनलेस गाइस, मैं इसको भी बाय कर रहा हूँ। आई डोंट नो कि होता क्या है, बट भाई एक बंदे ने मुझे रिकमेंड किया था तो फिर भाई मैं इसको बाय कर रहा हूँ बस। वॉट इज दैट? ओके आई सी दैट, टोटली मेक सेंस। आई लर्न हाउ इजीली स्विच टूल, आई एम आउटसाइड। ओके भाई थैंक यू गाइस ये सब बताने के लिए। तो कैसा लगा तुमको ये एपिसोड भाई, मुझे कमेंट्स में जरूर से बता देना बॉयज। एंड अभी मैं फिलहाल के लिए भाई थोड़ा सा अलोन पेमेंट कर देता हूँ। तो गाइस आज का एपिसोड काफ़ी शॉर्ट था, आज हमने छोटी मोटी चीज़ें की, बट गाइस फिर भी तो मैं ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं तो चलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।